हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जहां प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी है। इस स्कूल में जो है रेजिडेंस की सुविधा भी जो है प्रोवाइड की जा रही है। हालांकि APS में नहीं की जाती है, बट यहाँ पर आवास की सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड होगी। सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकेंगे। जल्दी ही आवेदन करना होगा क्योंकि डेट जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल गोपालपुर की वैकेंसी है, PGT कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी की। TGT में इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, AI, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, योगा एंड काउंसलर की। प्री प्राइमरी टीचर्स और फाउंडेशन लेवल टीचर्स यहाँ पर जो है 1 to 2 क्लास एंड नर्सरी टू UKG 3rd to 5th। लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की वैकेंसी है। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है मेन वेबसाइट पर ही मिल जाएगा आप लोगों को। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। क्वालिफिकेशन जो है चेक कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स फिक्स्ड टर्म पर भी जो है यहाँ टीचर्स रखे जाएंगे और एडोग बेस पर भी रखे जाएंगे। अभी जो है फिक्स्ड टर्म पर जिनके पास CSB स्कोर कार्ड है तो वो फिक्स्ड टर्म में अप्लाई कर पाएंगे, और जिनके पास CSB स्कोर कार्ड नहीं है ऐसे कैंडिडेट एडोग बेस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो है यहाँ दिया गया है। PGT में अगर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड साइकोलॉजी के लिए फिक्स्ड टर्म पर जो है जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो CSB स्कोर कार्ड जो है होना चाहिए, ठीक है। और जिनको नहीं पता है तो बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जाने के लिए एक स्कोर कार्ड, जिसे आप OST या CSB स्कोर कार्ड बुलाते हैं, केवल आर्मी स्कूल में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कोर कार्ड के बेस पर एग्जाम होता है, उसको क्लियर करने के बाद आपके पास स्कोर कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट फिक्स टर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो CSB स्कोर कार्ड उनके पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट में प्लस BEd 50% मार्क्स के साथ में होना जरूरी है। बिना अनुभव के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास अनुभव है तो काफी अच्छा रहेगा। एडोक बेस पर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इन तीनों सब्जेक्ट में, तो मास्टर डिग्री, BEd 50% मार्क्स के साथ में आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए MTech कंप्यूटर साइंस, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है अनुभव के लिए इन्होंने लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास अनुभव है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, बाकी जो है फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। TGT में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस एंड स्पोर्ट्स के लिए फिक्स्ड टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो CSB स्कोर कार्ड होना जरूरी होगा, BEd चाहिए, CTET या TET क्वालिफाई होना चाहिए। एडोग बेस के लिए जो है आप लोगों को ग्रेजुएशन प्लस BEd 50% मार्क्स के साथ में, और BEd जो है इन सब्जेक्ट के लिए नहीं चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पोर्ट्स, योगा, म्यूजिक एंड AI के लिए। फीमेल कैंडिडेट BPed शैल बी प्रेफर्ड फॉर योगा। उसके बाद जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, काउंसलर की, ग्रेजुएशन साइकोलॉजी के साथ में, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा काउंसलिंग में। 3rd to 5th के लिए यहाँ पर फिक्स्ड टर्म के लिए CSB स्कोर कार्ड जो है आपका होना चाहिए, यानी OST क्वालिफाई आप हो, ग्रेजुएशन के साथ में BEd 50% मार्क्स के साथ में, CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और आपके पास जो है डिप्लोमा और डिग्री भी होना जरूरी है। फाउंडेशन लेवल टीचर्स के लिए नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1, 2, तो एडोक बेस पर केवल ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में, और आपने जो है कोई भी डिप्लोमा डिग्री अगर किया है प्री प्राइमरी लेवल का या फिर BEd भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के लिए इन्होंने कहा है कि जो भी फ्रेशर हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, 40 ईयर एज है और बाकी अनुभव है, तो उनको 5 साल एक्स्ट्रा, ठीक है, 57 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल की उनको और भी छूट मिलती है। अभी अप्लाई कैसे करना है तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, APS गोपालपुर यहां से वैकेंसी है। स्कूल की मेन वेबसाइट पर आएंगे, यहां पर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ थ्रू LSB ऑन फिक्स टर्म एंड एडोक बेसिस, परमानेंट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहां नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, थोड़ा नीचे देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ, ठीक है, यहीं पर क्वालिफिकेशन आपको यहां पर नजर आ जाएगी।
लास्ट डेट जो है वो आप ध्यान दें, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट डेट जो है वो आप देखें 2 अप्रैल 2024। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप नहीं भेज पाएंगे, आपका पहुँचेगा ही नहीं। जो भी नज़दीक के कैंडिडेट हैं, गोपालपुर उड़ीसा में है, इंटरव्यू के लिए 4, 5 और 6 अप्रैल को आपको जाना होगा। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आप यहाँ पर बनवाएंगे, जो कि कैनरा बैंक, APS गोपालपुर, पेवल एट कैनरा बैंक, गोला बंधा, इसके लिए आप बनवाना पड़ेगा, ठीक है? जो कि वापस नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है, नॉन रिफंडेबल। एड्रेस जो है ये रहेगा आर्मी पब्लिक स्कूल गोपालपुर, पोस्ट गोलाबंदा, डिस्ट्रिक्ट गंजम, ओडिशा, पिन कोड नंबर है ये। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मेन वेबसाइट से मिल जाएगा, ये लिंक है मेन वेबसाइट का, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं, बिल्कुल समय पर जो है वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि कई बार जो है YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है और वीडियो जो है लेट पहुंचता है और डेट निकल जाती है। ऐसे में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल सके। अगर नहीं भी मिलता है तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो डेली देखते रहें कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, ताकि जो है डेट ना निकले। तो चलिए, ऐसे ही वैकेंसी जैसे ही और भी शिक्षक भर्ती की निकलती है किसी भी राज्य की, आप लोगों को सूचना दी जाएगी समय पर। थैंक यू।